नमस्कार, मैं हूँ राकेश पांडे। आपकी मैं उसकी आँखों का काजल हो चुका हूँ, मैं उसकी आँखों का काजल हो चुका हूँ। उसने छुआ है जब से मुझको, मैं पागल हो चुका हूँ। उसने छुआ है जब से मुझको, मैं पागल हो चुका हूँ। मेरा इलाज भी उसी के ही हाथों में है, मेरा इलाज भी उसी के ही हाथों में है, जिसके हाथों से मैं घायल हो चुका हूँ। जिसके हाथों से मैं घायल हो चुका हूँ। मेरे दिल के मकां पर इस तरह से कब्जा कर लिया है उसने, मेरे दिल के मकां पर इस तरह से कब्जा कर लिया है उसने, कि मैं अपने ही घर से बेदखल हो चुका हूँ। मैं अपने ही घर से बेदखल हो चुका हूँ। और इस तरह से मोहब्बत हो गई है हम दोनों के दरमियान, इस तरह से मोहब्बत हो गई है हम दोनों के दरमियान। वो मेरा किसान, मैं उसका फसल हो चुका हूँ। वो मेरा किसान, मैं उसका फसल हो चुका हूँ। और ये पहला इश्क का खेल है तुम्हारा, संभल कर खेलो। ये पहला इश्क का खेल है तुम्हारा, संभल कर खेलो। मैं इस खेल में तजुर्बे के साथ सफल हो चुका हूँ। मैं इस खेल में तजुर्बे के साथ सफल हो चुका हूँ। और जलने लगे हैं कुछ लोग मुझसे मेरे गांव में, जलने लगे हैं कुछ लोग मुझसे मेरे गांव में। लगता है थोड़ा बहुत मैं सफल हो चुका हूँ। और एक बचपन की कुछ याद आई, उस पर लिखा हूँ कि आज मुझको मेरा बचपन याद आया, वो घर वो दीवारें वो छत वो आंगन याद आया। वो आंगन जहाँ माँ मुझको नहलाती थी, वो मिट्टी का चूल्हा जिसपे माँ खाना बनाकर खिलाती थी। भाई से नोक झोंक, बहन से लड़ाई याद आई, भाई से नोक झोंक, बहन से लड़ाई याद आई। वो भाई से नोक झोंक, बहन से लड़ाई याद आई। वो दादी जिसपे सोती थी वो चारपाई याद आई, वो दादी जिसपे सोती थी वो चारपाई याद आई। वो सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाना याद आया, वो स्कूल में गुरुजी के छड़ी से मार खाना याद आया। वो पिता के कंधे पर बैठकर घूमना याद आया, वो माँ के द्वारा मेरे माथे को बार बार चूमना याद आया। दादी अपने पास सुला के कहानी सुनाती थी, सर पर हाथ फेरते हुए बातें पुरानी सुनाती थी। वो लालटेन याद आई जिसकी रोशनी में हम पढ़ा करते थे, हम भाई बहन आपस में बैठकर मस्ती किया करते थे। वो चीनी रोटी लपेट कर खाना याद आया, वो चीनी रोटी लपेट कर खाना याद आया। वो मटर गेहूं चना का हो रहा लगाना याद आया, वो चीनी रोटी लपेट कर खाना याद आया। वो मटर चना गेहूं का हो रहा लगाना याद आया। दोपहर में घूम घूम कर हम आम अमरुद जामुन खाते थे, हम कुदाल लेकर खेत में मेढ़ी लगाने जाते थे। कंधे पर बस्ता टांग कर स्कूल जाना याद आया, अक्सर दोपहर के बाद स्कूल से भगाना याद आया, अक्सर स्कूल से दोपहर के बाद भगाना याद आया, अक्सर स्कूल से दोपहर से भगाना याद आया। कि होमवर्क ना करने पर स्कूल में मुर्गा बनना याद आया, होमवर्क ना करने पर स्कूल में मुर्गा बनना याद आया। वो गर्मी के छुट्टी में मामा के घर घूमना याद आया, कि कड़ी धूप में कड़ी धूप में क्रिकेट खेला करते थे हम गांव में, कड़ी धूप में क्रिकेट खेला करते थे हम गांव में, दशहरे का मेला करते थे हम गांव में। चार दोस्त थे मेरे भाई जैसे, शाम को उनके साथ टहला करते थे हम गांव में। और लास्ट में है कि
कोठरी ताखा ढेबरी दलान उसार उसारा द्वार खेत खलिहान याद आया। वो कोठरी ताखा ढेबरी दलान उसारा द्वार खेत खलिहान याद आया। वो तालाब पोखरा कुआं बरम बाबा और डीह बाबा का स्थान याद आया।